स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का व्लॉग बना रहे हैं तेलंगाना बॉर्डर पर, और अभी हम यहाँ से महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे। अभी बॉर्डर पे ही बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर निकलेंगे महाराष्ट्र। और आज शाम हो जाएगी, नांदेड़ तक जाते जाते और वहाँ तक के जो सीन है वो इस व्लॉग में ऐड करेंगे। और कल जो हम जाएंगे फिर वहाँ से अजंता की ओर, तो वो सारे बीच में ऐड करेंगे और अजंता का अलग से एक व्लॉग आएगा। तो आप इस व्लॉग को देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी हम चाय पी के यहाँ से महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे, और बीच का जो भी नांदेड़ के और अजंता तक का जो भी सीन होगा वो सब सफर के बाद अभी हम महाराष्ट्र में एंट्री ले चुके हैं, और सब बॉर्डर सब पीछे रह गए। और अभी हम यहाँ से नांदेड़ के लिए निकलेंगे, उससे पहले यहाँ पे एक बार चाय पी लेंगे। ये राजस्थानी ढाबा है बाबा रामदेव, और यहाँ से चाय पी के फिर निकलेंगे नांदेड़ के लिए। और नाइट होल्ड फिर नांदेड़ ही होगा, फिर वहाँ से कल के लिए कुछ और देखेंगे। तो अभी निकलेंगे यहाँ से चाय पी कर नांदेड़। तो आप देखते रहिए, वक्त है। और अभी हम नांदेड़ से निकले और अजंता के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी मॉर्निंग के वक्त में रुक गए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। और ये देख पा रहे हैं आप जोधपुर बाड़मेर ढाबा, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नाश्ता वगैरह चाय वगैरह आप कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में, कभी भी यहाँ पे आए तब। और हमेशा ये चालू रहता है 24 घंटे, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, सब राजस्थानी लोग ही ज़्यादातर यहाँ पर रुकते हैं। और जोधपुर बाड़मेर नाम से ये ढाबा आया हुआ है। जैसे ही आप नांदेड़ से निकलेंगे अजंता की ओर, तो बीच में आएगा। अभी हम यहाँ से अजंता निकलेंगे, रास्ते के और भी सीन ऐड करने हैं व्लॉग में, तो वो सब आपको देखने के मिलेंगे। फिर अजंता तक का जो भी इसमें आएगा वो सब ऐड करेंगे। तो देखते रहे वीडियो, बहुत बहुत ही मज़ेदार सफ़र का एंजॉय करते करते अभी पहुंच गए हैं सिल्लोड। और ये देख पा रहे हैं महाराणा चौक, और आगे जो आ रहा है ये है शिवाजी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगी हुई, और ये सिल्लोड में आया हुआ है शिवाजी चौक, देख पा रहे हैं आप लोग। और अभी धीरे धीरे हम अजंता की ओर आगे बढ़ेंगे, और फिर अजंता की गुफाएँ भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और सुहाने सफ़र के साथ ही अभी पहुंच गए अजंता। और ये देख पा रहे हैं अजंता के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इसे देखिए सड़क थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े घाट और घुमावदार मोड़ यहाँ पर। काफ़ी मज़ेदार सफ़र अजंता का। और अभी हम अजंता के घाट में ही चल रहे हैं, और अजंता का घाट विश्व प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा होगा किताबों में भी। अजंता की गुफाएँ भी प्रसिद्ध है, अजंता के पास में ही एलोरा भी आया हुआ है। यहाँ पे कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर आइएगा, महाराष्ट्र में सबसे देखने लायक जगह में से एक है अजंता। बहुत ही अमेजिंग व्यू फ्रेंड्स, और जब बरसात हो रही हो तो ऐसे सफ़र का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है, और अगर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेके आए तो यहाँ पे रुक भी सकते हैं दरगाह के पास। और ये देखिए दरगाह से जैसे ही नीचे उतरेंगे आप, तो ये देखिए बहुत ही घुमावदार मोड़ है, तो आप यहाँ पे सावधानी से ज़रूर चलिएगा। अजंता की ओर आए, जो भी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी वो सब आप लोगों ने देखी। और अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आए तो आप ऊपर भी रुक सकते हैं, जहाँ पे दरगाह थी वहाँ पे रुक के आप इन सब का एंजॉय ले सकते हैं। हमारे पास बड़ी गाड़ी थी तो हम ऊपर नहीं रुके, और अभी हमने सारी पहाड़ियाँ पार कर ली है, और आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे जो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए सारा जो भी जानकारी है। और अभी यहाँ से ये ब्लॉग भी यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे, और भी यहाँ पर बहुत सारे देखिए आप लोग, वो एक और भी बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू
दी अजंता केविस, और अभी यहाँ से फिर हम निकलेंगे आगे की ओर और नंदुरबार। नंदुरबार का हमने पिछले व्लॉग में भी थोड़ा बहुत सीन ऐड किया था, और देखेंगे कुछ और होगा तो उसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ये व्लॉग अभी यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।